खबर मऊ जनपद से, जहां भाजपा की सरकार हर विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए काफी प्रयासरत है। इसके बावजूद विभागों में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मऊ जिले के परिवहन विभाग का है, जिसके बाबू कमरुज्जुमा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताते चले कि मऊ नगर के भाजपा नेता इश्तियाक अहमद, जो ऑटो यूनियन के मंडल अध्यक्ष होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर महामंत्री भी है, इश्तियाक अहमद अपनी ऑटो के कागजात ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन विभाग का पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के बाबू कमरुज्जुमा ने वाहन का कागज ट्रांसफर कराने के लिए 19 से 2 हजार की रिश्वत मांगी, जिसके बाद भाजपा नेता का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। भाजपा नेता इश्तियाक अहमद ने मीडिया से संपर्क कर अपनी व्यथा सुनाई और आने वाले दिनों में परिवहन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इश्तियाक अहमद बताते हैं कि एआरटीओ कार्यालय बिना पैसे लिए कोई भी कार्य नहीं करता। वहीं इस पूरे प्रकरण में आरटीओ महेंद्र बाबू का कहना है कि इश्तियाक अहमद के वाहन के कागजात कुछ दिनों से कार्यालय की वजह से देरी हो गया था, जिसकी वजह से इश्तियाक अहमद कार्यालय के बाबू कमरुज्जुमा पर पैसे मांगने का आरोप लगा रहे। विभाग के किसी व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग नहीं की गई है, ये सारे आरोप झूठे हैं। एक काम के लिए, एक ट्रांसफर के लिए 4 या 5 रोज से लगातार दौड़ रहा हूँ और आज कमरुज्जुमा बाबू के द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में पूरी तरह भ्रष्टाचार और पनप रहा है और बाहर देखिए तो दलाल लाइन से लगे हुए हैं। जो काम सरकारी फीस अगर कटती है 200 रुपया तो दलालों को देना पड़ता है 2000 रुपया, तब वो काम होता है। अगर दलाल को हम पैसा नहीं देते हैं, खुद जाकर के करवाते हैं, तो आरटीओ के जितने कर्मचारी हैं लगभग खासकर ये कमरुज्जुमा बाबू उसमें है, इनके द्वारा इतना दौड़ाया जाता है कि एक आदमी दिहाड़ी अगर 200 रुपया रोज करने वाला है, 10 दिन उसको दौड़ा देंगे तो सोचिए कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। आरटीओ क्या कहना है इस मामले में? आरटीओ क्या कह रहा है? आरटीओ भी वही है भाई साहब, आरटीओ भी आपके साथ? आज मेरे साथ हुआ, एक ट्रांसफर गाड़ी का था, मैं गया और जाकर के कहा कि भैया इसको कर दो। उसमें पहले तो 5 रोज से इन्होंने मुझे दौड़ाया। आज कह रहे हैं कमरुज्जुमा बाबू, कह रहे हैं कि आरटीओ साहब बगैर पैसा लिए काम नहीं करेंगे। कितना पैसा मांग रहे थे? 2000 रुपया, 2 फाइल थी, 2000 रुपया कमरुज्जुमा बाबू मांग रहे थे। आरटीओ कह रहे थे कि आरटीओ साहब बगैर पैसे का नहीं करेंगे। देखिए इस संबंध में हम अमरण अनशन करेंगे, हम ऑटो यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी परमिशन के चक्कर में हम आए हुए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के वहां से अगर परमिशन मिल जाता है तो सत्याग्रह होगा। आरटीओ के खिलाफ पूरी तरह से हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है। और फिर उसका फाइल जो है हमारे पास 2 दिन पहले भी आया था, उस दोनों गाड़ियां जो है वो पीले कलर में थी, स्कूल कलर में थी, और स्कूल कलर में वो गाड़ी दर्ज नहीं था। फिर उनको ये बताया गया, उन्होंने बताया कि हम जो है ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो उनको सम्मान जो है हमारा बाबू कमरुज्जुमा ने बताया कि ये पहले जो है स्कूल के नाम दर्ज होगी, उसके बाद फिर जो है इसके अग्रिम कार्रवाई होगी। उसमें आपका ट्रांसफ़र भी था, फिटनेस, सारी चीज़ें होनी थी, तो उन्होंने फिर वो चीज़ों को पूरा किया। फिर उसमें जो उन्होंने RC लगाया था वो जो है प्रिंटेड था, लेकिन ओरिजिनल नहीं था। वो पकड़ में आ गया तो बाबू ने कहा कि इसका फीस कटेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जबकि बाबू हमारे सामने ही है, आप लोगों के सामने ही वो अपना बयान दिया कि नहीं, इस तरह का हमने कोई भी पैसे का मांग नहीं किया है। थोड़ा सा वो कह भी रहा है बाबू कि हमारा उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए कि टिपिकल केस था।